हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब अच्छे हैं। देखिए पीछे मेला लग रहा है और ये है हम लोग लोहाडी, क्या बोलते हैं भाई इसको, दुर्गा सोरेन चौक। और अभी हम लोग जा रहे हैं, प्लान नहीं किए हैं, कंफ्यूज है रेमता डैम या तो फिर धुरवा डैम में, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और आज करेंगे मटन पार्टी। तो वीडियो में बने रहिए और आप लोग भी एंजॉय करिए मेरा वीडियो। चलिए गाइस, अभी देखिए हम लोग नागपुर रोड में हर्षिदाग पहुंचने वाले हैं, नामतुम आर्मी कैंप के पास। दोस्तों अभी हम लोग अपना डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं, बीच में हम लोग स्टॉपेज लिए हुए हैं जहां नाश्ता पानी करेंगे हल्के में, उसके बाद फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए फिर रेडी होंगे और चल के बनेंगे अपने डेस्टिनेशन। अभी खर्सीदाग नहीं पहुंचे, खर्सीदाग पहुंच के डायरेक्ट वहां से क्या बोलते हैं भूसुर से जाएंगे रेमता, क्योंकि हम लोग दोनों लड़ रहे थे कि भूसुर जाएंगे कि दुर्वा जाएंगे, नहीं रेमता जाएंगे कि धुरुआ जाएंगे। तो लास्ट फाइनल डिसीजन लिया, हम जीत गए, तो जा रहे हैं हम लोग रेमता डैम। तो चलिए वहाँ हम लोग करेंगे। क्या चीज़ का पार्टी चल रहा है? बर्थडे पार्टी। ये हम लोग को बर्थडे पार्टी नहीं दिया था तो अभी ये पार्टी दे रहा है। नहीं, मटन पार्टी करेंगे। देखिए अभी हम लोग खर्सीदाग में हैं, खर्सीदाग यहाँ से घर से तो प्याज लहसुन ले कर आए थे, लेकिन मटन थोड़ा ज़्यादा ले लिए 1.5 kg, तो सोच रहे हैं और थोड़ा सा प्याज लिया जाए। और इधर कुट्टू सब भी है, सब्जी है। हाँ देखिए पूरा सब्जी सब यहाँ पूरा लगा हुआ है, यहाँ से लेके पूरा चौंक तक। जैसे कि गाइस बोले थे हम कि हम जीते, ये हार गए, इसीलिए दोनों का जगह नहीं गए हम लोग ना। अबे हाँ अबे ना ना रेमता गए, रेमता गए ना धुरुआ गए, ऐसे जगह आ गए जहाँ किसी को पता ही नहीं था। जंगल आए, जंगल रांची ब्यूटी हिडन प्लेस घुसुर जंगल आए। और इधर हम लोग काम पे लग गए हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए प्रवीण भाई, इधर गैस अब सेट कर रहे हैं छांव के नीचे। और इधर नरेश भाई जो कि मटर बनाने वाले, प्याज काट रहे हैं। अब ये रहा टोनी जैकब है, क्या कर रहे हैं तुम? हम कर रहे हैं प्याज निकाल रहे हैं। आपको फुल रेसिपी दिखाएंगे। ये नरेश जो है मस्त बनाता है। कारीगर हम लोग का ही है। होटल खोलने वाला है क्या बे? आइएगा आप लोग, आपको अभी दिखाएंगे कैसे बनाता है। मिर्चा तोड़ रहे हैं। कितना मिर्चा डाल रहा है टोनी? पूरा इतना डाल रहा है कि खाने में मजा ही आ गया। हाय हाय, अदरक अदरक और अदरक कूटा जा रहा है, लहसुन भी पता थोड़ी चल रहा है। और यहाँ देखिए भाई साहब इतने प्याज काट रहे हैं, इधर भी प्याज है। दिखा दो इधर, मटन कहाँ है? इधर पूरा स्पीड में काट रहे हैं, स्पीड में काट रहा है। देखिए ये खोलने वाला अगले साल आपका होटल वगैरह, आइएगा हम लोग खाने के लिए विश्वनाथ ढाबा। ये अरे नहीं नहीं, अबे तू इसे बोलता ना, मेरा गांव का आदमी लोग देखता है तेरा व्लॉग संदा, तो बोल रहा था एक दिन कि तुम लोग पूरा पार्टी उठी किया, डैम गया था, ऐसे जान रहे हो तू?
आप ब्लॉग में देखे हैं बोलता ये तेरा तेरा दोस्त लोग देखा था गांव का बे देखिए गाइस वो नरेश का गांव का लड़का लोग भी मेरा ब्लॉग देखता है, मेरा 1000 सब्सक्राइबर है। पर चलिए चंदवा का लड़का लोग भी देख रहा है तो सुन के अच्छा लगा, आप लोग भी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द। तो चलिए आपको आगे का दिखाते हैं। बकरा सब दादा मैं कहता हूँ बकरा सब का सेंट सब ये देखिए इतने सारे इतने सारे खस्सी कितना केजी है टोनी बता दो। 3 केजी। 3 केजी नहीं झूठ नहीं, हम लोग लाए हैं 1.5 केजी मीट जो कि टोनी भाई साहब अभी ढूंढने जा रहे हैं। हमारे बड़े भैया हमारे गार्जियन प्योर देसी प्योर देसी प्योर देसी जतन थोड़ा तो भाई ठीक है भाई चल रहा है। अरे पूरा धो रहा है भाई लोग अच्छा से धो, मिनरल वाटर है प्योर मिनरल वाटर से धोया जा रहा है इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है आपको प्याज ज्यादा है तो उधर प्याज कट चुका है और इधर मटन पूरा तरीके से धुल चुका है। मक्खी से मारना है जी। इधर गैस जल रहा है चल गया ना? फ्लेम दिख नहीं रहा है बंद करो करो। जल रहा है पढ़ाइए आवाज कर रहा हूँ जैसा था पढ़ाइए ये देखिए छाता तो बारिश का काम नहीं आ रहा है पर इधर हवा आ रहा था गैस चलाने के लिए काम तो गैस थोड़ा सा बुझ जा रहा था तो उसके लिए काम आ रहा है। जल रहा है ना गैस जी? हाँ जी यहाँ टोनी बैठो सब तरफ से बैठो 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 टोनी लाइन बाय लाइन टोनी हाफ पेंट में लंगोट में इधर नरेश है और इधर प्रवीण भाई साहब नहीं नहीं अभी करते जाइए बाद वाला सिस्टम। ये देखिए तेल डाल चुका गया है। अमेरिका गए कहाँ कहाँ घूमे विदेश घूमे हैं विदेश घूमे हाँ कहाँ अमेरिका कहाँ कहाँ घूमे नाम बताइए भूपेंद्र जोगी बड़ी खतरनाक इसका इंटरव्यू देखा तो फर्स्ट टाइम ना ओ तस है तो गरम मसाला डाल दिया देखिए तेज पत्ता अरे 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 चलाइए तेज पत्ता हो गया प्याज देखिए प्याज जा रहा है अरे बाबा थोड़ा इधर को फंसेगा पकड़ो ना पकड़ो अच्छा लग ना जी ये देखिए प्याज डाल रहा है सुगंध देखिए प्याज की सुगंध और मटन का गंध आप लोग आके नहीं बोलेंगे समझने वाले समझ गए होंगे क्या पूरा हम लोग पूरा 1 किलो प्याज डाले हैं क्या जी अंदाज से डाल रहे हैं। प्याज कितना किलो डाला जा रहा है नमक स्वाद अनुसार ही डाला जाता है पर ये अंदाजा से डाल रहा है। लीजिए भैया जी जो हो गया झोला में पैकिंग करते हैं झोला में पैकिंग करते हैं नमक का तो जरूरत था। ये देखिए प्याज पूरा कलर पकड़ चुका है और इधर देखिए लहसुन अदरक और इधर मिर्च बिना पिए ये लड़का नाचते रहता है। वो देखिए पत्तल बना रहा है बढ़िया से जल्दी बनाओ रे पत्तल बन रहा है खाना खाने के लिए। ये देखिए अभी डाल रहा है क्या डालेगा पहले लहसुन लहसुन नहीं गया थोड़ा वो सिटी मारे ना पूरा गल जाएगा ढक्कन उक्कन लगा उगलेगा एक नंबर
मिर्च कब आ रही है? नहीं मिर्च बाद में नहीं, अभी देखिए कितना सारा। हाँ ऐसे भी हरा मिर्च है, बढ़िया लगेगा। जब तक तीखा नहीं लगेगा मजा किस आएगा। डालो डालो, आज देसी पत्तल में खाएंगे। अब ढक दिया जा रहा है ढक्कन, और इसका पत्तल बन रहा है। हाँ देखे, हाँ बढ़िया बढ़िया। ये देखिए टोनी भाई जान, देखिए दोस्तों मटन डालने जा रहे हैं। उठा उठा लिएगा बेटा, देखिए कितना इतने सारे मटन है कि बाड़े हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। डालिए एक उधा मटन, कुकर छोटा हो जाएगा, कुकर छोटा होगा तो कुकर में डालिएगा। अब डेढ़ दो केजी लेगा तो यही हाल होगा ना, और कुकर लाएगा छोटा वाला। देखिए इसे कहते हैं लापरवाही। डालो बेके को गिन के डालो, चर्बी छाट लो, चर्बी हटाओ ना। यहाँ देखिए मटन इतना कीमती और इधर गिरा रहा है लड़का। डालो जल्दी, क्या करें दोस्त, गिर गया थोड़ा सा, और छटा लगना होगा। लगा दे, वो देखिए कुकर भी फुल हो गया है। ये देखिए हम लोग गोश्त अलग कर रहे हैं, और चर्बी कुछ जो बच गया है उसे अलग कर रहे हैं। ये देखिए इसमें कितना बच्चा ही, तो ये तो चमड़ी है, हो गया ना। काटो गाड़ी वाला, ये वाला हाँ काटो। इसको ना यहाँ से काट, ठीक है। ये देखिए हम लोग का इतना सारा चर्बी, और ये चर्बी हम लोग बाद में डालेंगे। ये देखिए पूरा फूल हो गया पूरा। अब ढक्कन बंद हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, चारों ओर जंगल ही जंगल, मजा आ रहा है। और ऐसे तो हम लोग का प्लान था रेमता डैम या फिर धुरवा डैम जाएंगे, वहाँ मटन पार्टी करेंगे, पर हम लोग गए नहीं क्योंकि ये भाई साहब लोग बोल रहे थे कि दूर होगा, तो हम लोग आए हैं अभी ये जंगल। इसको कहते हैं रांची ब्यूटी, देखिए मज़ा आएगा आपको। और ब्लॉग तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मेरा फ्रेंड लोग सजेस्ट कर रहा था कि भाई तू काफ़ी लंबा ब्लॉग बनाता है 30-30 मिनट का, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस रेसिपी दिखाएंगे और खाएंगे हम लोग मटन। देखिए गाइस हम जहाँ आए हैं एक भी गंदा नहीं है यहाँ पर, एक भी नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा सफाई साफ़ सुथरा, ऐसे ही साफ़ सुथरा सब जगह रखें, चाहे वो हिडन रहे या ना रहे, या आप कहीं घूमने जाए, फॉल जाए, वाटरफॉल जाए, डैम जाए, कहीं भी नदी वगैरह पिकनिक स्पॉट जाए, तो ऐसे ही साफ़ सुथरा रखें। दिखा रहे आपको कैसे। देखिए मौसम ख़राब करने वाला कर रहा है, वैसे लग रहा है बस पानी ना कर दे। हम लोग का मटन वाला सीन समझ रहे हैं ना, मटन बनते रह जाएगा। वैसे तो कुकर लाए हैं, छाता भी लाए हैं, तो हो जाएगा। अब जाते हैं उधर, ये तो बोलेगा बस ब्लॉग बना रहा है, कुछ मेहनत नहीं कर रहा। और गाइस उधर अभी कुकर बंद कर चुका है, कुकर में मीट डाल चुके हैं हम लोग जा रहे हैं रोटी लाने।
ऐसे ही कैसे खाएंगे मीट। अभी रोटी लेने जा रहे हैं चौक भुसूर चौक। चलिए गाइस वी आर गोइंग टू ब्रिंग द रोटी एंड चपाती फॉर ईटिंग विद मटन। गर्मा गर्म रोटी लाने जा रहे हैं दोस्त के साथ अविनाश GPS कॉल बांसला। वी आर इन डीप फॉरेस्ट enjoying the party of birthday of Avinash Paul Barla. Happy dense forest. Dense forest and enjoying in the deep. Guys, अभी हम लोग हैं करकट्टा ढाबा में। यहाँ पे हम लोग रोटी पैक करा रहे हैं और ये खरसी दाग से तुकुदाना जाने का बीच का रास्ता बीच में पड़ता है ये ढाबा। यहाँ पे विजिट कीजिए। रोटी मिल रहा है 5 रुपया पीस। हम लोग 20 पैक करा रहे हैं और हो ही गया है, लेके जाएंगे क्योंकि शाम भी 5 बजने वाला है और हम लोग का मीट भी रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग निकलेंगे और वहाँ पे अच्छा से मटन पार्टी करेंगे। ये देखिए रूम में जैसे बनाते हैं दिया आटा रोटी 5 रुपया पीस। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं। ये लोग मसाला डाला कि नहीं डाला वो वीडियो तो बना नहीं है, रुकिए आपको दिखाते हैं कैसे बना है। चलिए बस नीचे वाला पके ऊपर, इसीलिए साइड से उतारते जा रहे हैं, नीचे वाला ऊपर ला रहे हैं। कहाँ कहाँ चलो चलो बस। ये देखिए आज लड़ा मस्त बना। हाँ हाँ तो चलो निकालो निकालो निकालो। देखिए शानदार जानदार बनाया, एक नंबर। देखिए गाइस हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे मटन। अभी कुकर में और बचा हुआ है उसे भी खाना है क्या जी? इतना टेस्टी के स्पीड में खत्म हो गया। ये देखिए रोटी, ये रहा मटन का पीस। अभी से हम लोग खाएंगे। खाया जाता है कैसे खाया जाता है? हाय हाय डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स देखिए। ये देखिए चर्बी, चर्बी को खाइए और मजा लीजिए। मटन भात 130, चिकन था 120, 120 नहीं 130 चिकन कम था 60 रुपए चिकन। ढाबा का भी ब्लॉगिंग करते लौटे कभी खाने करकट्टा ढाबा लिखा हूँ। कैसे लगा वहाँ ढाबा का खाना? ढाबा का खाना बहुत अच्छा लगा। करकट्टा ढाबा जो आपका रिंग रोड के बगल में न्यू बसूर में स्थित है, वहाँ आइए रोटी खाइए। मस्त टाइप से मस्त रोटी मिलेगा, इस तरह से मटन मिलेगा, चिकन मिलेगा और सिंपल खाना भी। पत्तल में खाइएगा तो पत्तल में भी मिलेगा, प्लेट में खाइएगा तो प्लेट में भी। और कुछ बोलने वाले बोलना चाह रहे थे आप? बता तुम तब बोल। अगले बार का डेस्टिनेशन कहाँ रहेगा दोस्तों? इधर तो रात होने वाला है दोस्तों, थोड़ा सा डेस्टिनेशन भी बता दो। कढ़ाई में रहता तो ठंडा जाता है। ग्रेवी इतना मस्त है ग्रेवी से हम खा रहे। देखिए और गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, निकल रहे हैं
सात बजने वाले सुनसान जंगल के बीचों से पाँच मिनट वादियों से जाएंगे। अब 5 मिनट बचा हुआ है 7 बजने के लिए और हम लोग का मटन भी बचा हुआ है, दिखा दो। कुकर भी मटन बचा है, इसको घर में जाके फिनिश करेंगे। हाँ तो चलिए आपसे मिलते हैं घर में। घर में मिलते हैं। देखिए गाइस हम लोग आए घर पर, मटन बचा हुआ था पर ये लोग बोला कि मटन को चावल भी है मेरा घर में, रोटी भी है। रोटी तो मेरा घर में, ये लोग चावल बनाया था सुबह पर बोला लच्छा पराठा खाएंगे, तो यहाँ लच्छा पराठा लेना है, उसके बाद घर जाएंगे फिर वहाँ खाएंगे लच्छा पराठा। लच्छा पराठा के साथ क्या बोलते हैं, मटन भी खाएंगे। समझ रहे हैं, चलिए घर में मिलते हैं। देखिए गाइस यहाँ रोटी और ये रहा लच्छा पराठा, ये मटन जो बचा हुआ था और ये जनाब से पूछिए। एक नंबर टेस्ट है, हम तो जल गए भाई। देखिए इसका हाथ जल गया अभी गरम करके फिर से। और देखिए ये लोग रूम कितना गंदा रखता है, कैसे साफ नहीं करता है बेटो ने। तुम कह नहीं करता, बस खुद को फेस वॉश करता है। छोटे तो मटन नहीं खाता है। गाइस अभी हम लोग खा लेते हैं सलाह, काफ़ी गर्म, पहले तो रोटी खा लेते हैं अपना घर सलाह। खाओ भाई छोटे मलका है, लाल खा ले भी रात में और तो लगभग है इसके पास। तुम बस ग्रेवी खा रहा ग्रेवी अच्छा बन रहा है। मजा आ गया गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट। गुड नाइट, अभी हम लोग थाने में बिजी हो गए हैं, चलिए मिलते हैं आपसे। बोल छोटे कुछ बोल, बनाओ ना तुम लोग के पहले। चलिए